हवा निकल कहाँ से रही है, पता तो लगे पहले। फिर कहाँ बाथरूम गए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी सुबह की बज चुकी है 11 और मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी है। और लव्या भी नहा के आ चुकी है क्योंकि 11 बजे इसकी ट्यूशन होती है। बस 11 बजने ही वाली है, 5 मिनट रहते हैं तो लव्या जाएगी ट्यूशन। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी। बिकॉज नहीं, वैसी सब्जी तो बनेगी। सही सब्जी तो बनेगी, पर कौन आ रहा है? और आज आ रही है मेरी सिस्टर, मतलब कि मेरी मासी। हाँ जी। तो गाइज, हम हरियाणा से आ चुके हैं और बहुत मस्ती करी हमने नानी हाउस में, काफी इंजॉय किया। 6-7 दिन हम रह के आए। सिस्टर मेरी आ गई थी गुड़गावा भाई के घर, तो अब भाई उसको यहाँ पर दिल्ली छोड़ने आने वाला है। वो गुड़गावा से चल चुके हैं और लगभग 1 घंटे तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक लव्या भी ट्यूशन पढ़ाएगी, नमन भी ट्यूशन गया हुआ है। तो अभी सब्जी बनाते हैं और मैं चाय पीती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। मम्मी, अगर मासी मेरे पहले आते ट्यूशन से तब मैं कबाड़ लगाऊंगी। अभी नहीं आती मासी बेटा, तू ट्यूशन पढ़ा अभी तेरे को 1 घंटा लगेगा, मासी को भी लगेगा। फिर सारा दिन है मासी के साथ एंजॉय करना, ठीक है। यहाँ मैंने सोयाबीन बॉईल कर दिए हैं, आलू काट दिए हैं और तड़का भी मेरा बन चुका है लगभग। और बस लव्या की कंघी करती हूँ, लव्या ने ट्यूशन जाना है। तो गाइज, अभी 12 बज चुकी है और अभी सिस्टर को फोन किया था, वो कह रही थी अभी 10-15 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में। तो मैंने कहा क्यों ना चाय पी जाए। आज सुबह से गाइज मैंने चाय नहीं पीनी, तो मैं नहा के सबसे पहले चाय पीती हूँ। तो आज मैंने चाय नहीं पी, तो फाइनली अब मैंने चाय बना ली है, साथ में एक परांठा बनाया है। तो अब मैं पी रही हूँ चाय। कालरा साहब तो अपना नाश्ता भी कर चुके हैं, अब ये चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर नमन भी आ चुका है ट्यूशन पढ़ के, इसकी 1 घंटे की ट्यूशन होती है। और अभी वापस जाऊंगा 1 बजे। 1 बजे फिर जाएगा दूसरी ट्यूशन, फिर शाम को फिर जाएगा। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। मासी थक गई, ऊपर चढ़ चढ़ गए। नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ मासी की सेवा करते हुए पानी दे रहा है सबको नमन। हाँ जी, पहुंच गई मासी फाइनली, अभी रस्ते में है। नमन गुड बॉय बन चुका है, सबको पानी दे रहा है। जला लो। वेलकम होम। हाँ जी, पहुंच गए फाइनली। हाँ। तो ही अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर दिया भाई ने। हाँ भैया, तेरी छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम है? जा रहा हूं। नहीं नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम कर ले। पागल है? नहीं नहीं, पता लव्या क्या कह रही थी। लव्या कह रही है अगर मासी मेरे ट्यूशन जाने से पहले आ गई तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। मैं कहा बेटा अभी 11 बजी है, अभी वो नहीं आएगी, 12 बज जाएगी। कह रही अगर पहले पहुंच गई ना फिर तो मैंने ट्यूशन नहीं जाना। मैंने कहा अभी टाइम लगेगा। कैसा रहा सफर आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वो तो कह रही गर्मी थी बहुत। एसी में क्या गर्मी लगने, एसी वाली गाड़ी थी। गर्मी तो लगती है, गर्मी है कितनी। चलो जी, लो जी कुछ, लो जी वंश लो। अब मासी के घर पहुंच गए हो, क्या करोगे मासी के घर? मस्ती। मस्ती करोगे, धमाल मचाओगे? हाँ। अच्छा, मामा तो देख काम पे लग गया, लीची जूस है बेटा। ये देखो मामा लग गया अपना ऑफिस का काम करने, कह रहा है जाऊंगा और इसको मैं मना करी जा रही हूँ कि अभी नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम कर ले। तो अभी देखते हैं कैसे होते हैं। मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर लो। नहीं, आप ऑफिस जाओ। आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। अपने भाई को पकड़ के बैठा रही तू। ये ले ले भाई, चाय पिए बस। अभी अभी बस तुम आए हो तो हमने चाय पी है। अभी तुम्हारा मेरे ऊपर तो भेजे बात। हाँ, मैं चाय ही पी रही थी, मैंने सुबह से चाय ही नहीं पी थी आज। मैं कहा भैया इतनी, ये कह रहे हैं अभी आई। मैं कहा चाय तो पीने दो कम से कम। तो जी, दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती। हाँ जी, आप क्या बना रहे हो? ड्रॉइंग बना रहे हो। अच्छा, और आप क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो। फोन अपने आप ही चलता है या तुम चलाते हो उसको? अपने आप चलता है। हाँ जी, भूख लगी है? यस। क्या खाओगे? मैक्रोनी। मैक्रोनी बना दूँ? हाँ। चलो जी ठीक है, बच्चों की डिमांड को पूरा करते हैं। और यहाँ पर सिस्टर थक गई थी तो ये थोड़ी देर सो गई है, बच्चे लगे हुए हैं अपनी एक्टिविटीज में। हाँ जी, बाहर से म्यूनिस ले आओ। हाँ, म्यूनिस मंगाई है, म्यूनिस पड़ी नहीं है, सामने से मंगवाई है। तो गाइस, बच्चों की फरमाइश को पूरा किया जा रहा है। बच्चे कह रहे थे हमें मैक्रोनी खानी है, तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को बॉयल कर दिया है, सारे वेजेस भी कट कर लिए हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैक्रोनी।
तो यहाँ पर यम्मी यम्मी मैक्रोनी बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने ये प्लेट्स में डाल दिए हैं, तो अब बच्चों को देते हैं। हाँ भाई परी, कैसे बनी है? अच्छी बनी है, टेस्टी है। नमन कहाँ गया? नमन को नक्सी डाली है, नक्सी डाली उसको। फिर कहाँ, बाथरूम गए? हाँ। नहाने? हाँ, वंश भी नहीं दिख रहा, वंश कहाँ है? ये दो पड़ी है उनकी प्लेट्स। वंश आ गया? हाँ, हाँ जी। सर आपकी मैक्रोनी रेडी है, खाओ। कौन सी होती है मैक्रोनी? कोई भी ले लो आप। ये देखो नमन भी आ गया। हाँ जी सर, क्या हो गया था? एकदम नाने कैसे भाग गए? झूठ मत बोल, नक्सीर आई है ना तुझे। गर्म चीजें मत खाया कर, घर का खाना खा ले, गर्मी ज्यादा हो रही है भाई साहब, समझ आ गई? बाहर के खाने में मसाले ज्यादा होते हैं, फिर नक्सीर आ जाती है, शरीर में गर्मी हो जाती है। तो गाइज अभी शाम की बज चुकी है 7:30 और हम आ चुके हैं अपने टेरेस पे। टेरेस पे बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है, नीचे तो गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन ऊपर हवा है, तो हम आ चुके हैं ऊपर। और ये देखो, तो गाइज बच्चों का मन था पूल में नहाने का, पूल पार्टी करने का, तो मैंने कहा घर पे ही स्विमिंग पूल बना लेते हैं और उसमें तुम पूल पार्टी कर लो। तो अभी लवे आइए, ले आइए पूल। तो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे कोशिश कर रहे हैं इसको फुलाने की। हाँ हाँ करो करो, तुम्हारी फूंक निकल आएगी, तुम करो तो सही, इतनी जान लगती है इसको फुलाने में। तो बच्चों की कोशिशें कामयाब होती हुई। हाँ जी लवे, कितनी फूंक निकली तेरे में से? हाँ भाई इंजॉय करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ परी तू भी कर ले कुछ मेहनत। हाँ मैंने करी थी, अब दोबारा कर। लव्या की मासी के अंदर काफी सारी फूक है। हाँ जी अपनी फूक इसमें डाली जाए। टाइट हो गया? अभी अभी ढीला है, अभी और करना पड़ेगा। ले आ गई मासी मैदान में। अरे वो लगा देंगे, वो है ना अपनी, कौन सी लाइट है? रिंग लाइट। रिंग लाइट ले आएंगे, ऊपर ले आती हूँ रिंग लाइट। फुल पार्टी ऑन टेरेस, फुल पार्टी। खाओ, अच्छा ये बताओ खाओगे क्या पार्टी में? पाव भाजी। पाव भाजी थोड़ा बन रही है, फ्रेंच फ्राइज। चलो फ्रेंच फ्राइज बना देगी मासी, तुम नाना मैं फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी। फ्रेंच फ्राइज बना दूंगी, स्माइली बना दूंगी और रसना। ओके डन। रसना तो मैं बना भी आई नीचे, जूस कल पी लेंगे, कोई नहीं हो रहा टाइट। मासी देख मेहनत कर रही है, वाह हो गया हो गया, और करो और करो थोड़ी और। तो यहाँ पे पूल पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या लीकेज है कि ये ढीला हो गया दोबारा। लव्या थोड़ी देर ही खेल सकते हो क्योंकि इसकी हवा निकलती जा रही है। हम टेप लगा देंगे। टेप लगा दोगे? वंश और लव्या थोड़ी देर इंजॉय कर लो क्योंकि इसकी हवा निकली जा रही है। मम्मी टेप लगा देंगे। हवा निकल कहाँ से रही है पता तो लगे पहले। हाँ बस ये निकलने वाली है, जल्दी जल्दी इंजॉय कर लो जो करना है तुमने, मस्ती कर लो पूल पार्टी है। हाँ ये निकल, पता नहीं कैसे निकल रही है। लो तुम्हारे ऊपर फवारा आ रहा है, फाउंटेन चल रहा है, फाउंटेन मासी का फाउंटेन। तो भाई ऊपर चल रही है पूल पार्टी और मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ स्माइली। यहाँ पर स्माइली बन रही है और यहाँ नमन बना रहा है व्हाइट सॉस पास्ता और यहाँ मैंने बनाया है रसना, मैंगो फ्लेवर का है ये रसना, क्योंकि पूल पार्टी करते करते बच्चों को भूख लगेगी, अभी डिनर में टाइम है तो मैंने सोचा कि स्माइली पड़ी हुई है तो बच्चों के लिए क्यों ना स्माइली बनाई जाए। नमन यहाँ से रेसिपी देख रहा है और यहाँ पर बना रहा है, तो यहाँ पर पास्ता बनकर भी रेडी हो गया है। सुबह मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो उसमें से बच गई थी तो मैंने बॉईल की हुई रख दी थी, तो नमन अब ट्यूशन से आया तो कहने लगा मम्मा मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना लेता हूँ, इसको वैसे व्हाइट सॉस पास्ता ज्यादा पसंद है तो मैंने कहा बना ले। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे और बच्चे स्माइली खा रहे हैं और रसना पी रहे हैं और यहाँ पर देखो ये सारा पानी निकल रहा है क्योंकि इसमें कहीं होल है जिससे इसकी सारी हवा निकल चुकी है। और मैं नीचे से ये लेके आई हूँ इसका पेंचर, एक पेंचर मिलता होता है तो वो अभी कोशिश करती हूँ इसको लगाने की। तुम इतने में स्नैक्स खाओ और इतने में मैं कोशिश करती हूँ कि इससे अगर रिकवर हो पाता है तो। मम्मी आज आपका डिनर प्लीज ऊपर कर ले। ऊपर करोगे डिनर? कोई नहीं, दाल मखनी बना रखी है ऊपर ले आएंगे। अभी तो 8 बजी है, अभी तो बॉयल हो रही है दाल, ठीक है अभी तो घंटा लगेगा, ठीक है इतने में तुम ये खाओ, ऊपर देखेंगे पापा से बात करेंगे नहीं तो ऊपर ही डिनर कर लेंगे। तो गाइस फाइनली पता लग चुका है कि हवा कहाँ से लीक हो रही है, यहाँ से हवा लीक हो रही थी और हमने यहाँ पर पंचर लगा दिया है और अब फिर से ट्राई कर रहे हैं इसको फुलाने की। कुछ फूल चुका है
तो अब फिर से ट्राई हो रही है। तो गाइज अभी मम्मी और भाई भी आ चुके हैं मस्ती करने स्विमिंग पूल में। हाँ जी मम्मी बच्ची बन चुकी है स्विमिंग पूल में आ गए। यार इतनी गर्मी है मन कर रहा है बस नहाते ही रहो। इतनी मेहनत करी है फुलाने में। हाँ सारी मेहनत हम करे, हमने भी करी है। लड्डू खाओ तुम। हाँ, दो बार हमने भरा है। मम्मी और भाई की मस्ती देखा बाजी चला जाएगा फोन पे। मम्मी ना स्विमिंग पूल में आके बच्ची बन चुकी है बिल्कुल। पीछे मम्मी नीचे मत हो यार, वो देखो किस समय इतना बड़ा छेद हो चुका है। हम टेप लगाई जा रहे हैं, टेप 10-20 लेयर लगा दो कम से कम। वैसे काम करते 100 लेयर चैलेंज करते, 100 लेयर लगाएंगे टेप। ये हम टेप लगाई जा रहे हैं, ये पानी से बार बार टेप हटी जा रही है। अब ऐसे लगाना सीन में यार, इतना अच्छा मजा आ रहा था, मजा किरकिरा कर दिया। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30 और हम आ गए थे नीचे क्योंकि जो हमने पंचर लगाया था वो बार बार निकल रहा था पानी की वजह से, तो मजा नहीं आया ज्यादा, मतलब पूल पार्टी में कोई एंजॉय नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर चल रही है चाप पार्टी जिसमें नमन भी शामिल हो चुका है क्योंकि नमन की मासी की फेवरेट है चाप, तो इसलिए आज है मोनू मासी के लिए स्पेशल भांजा लेके आया है चाप। और अभी यहाँ पे चाप पार्टी चल रही है, अभी शुभम और हीना भी आ रहे हैं नीचे से। इसी चीज में तो स्वाद होता है जो नीचे का बटर होता है। लोग ऐसे ही तो कहेंगे पतला, ऐसे थोड़ी है। सेहत का राज यही है कि चाट रहा है। गर्म हुई तो नहीं? गर्म नहीं हुई, गर्म तो करके आई हुई, इतनी तो गर्म करी है। मजा आ गया ना मना, इंडियन की पहचान है कि बिना चाटे वो कुछ नहीं रखते। भाई मेरे लिए भी बचा देना, आ जा। बस कर नमन बस कर, में मजा इसमें है ना, उसमें खाने में ही नहीं है। ठीक है तू यही चाट, तेरे को वो नहीं मिलेगी अब। सही बात है नमन, तू चाटता रहा इतने में पार्टी खत्म हो जाएगी। शुभम भी नहीं आया, तो जी चाप पार्टी अब खत्म हो चुकी है। शुभम चाप से हाथ धो बैठा है क्योंकि शुभम लेट आया है। शुभम पहले चिकन खाया था। अच्छा। किसी ने शुभम के लिए बचाई नहीं चाप, दाल मखनी और नान खा ले, पता लगे इससे भी हाथ धो बैठेगा। कोई बात नहीं, क्या लाया भाई नान, कौन से लाया है? वाह प्याज वाले नान, बटर नान, मजा आ गया भाई। पार्टी पार्टी खा लो भाई, खा लो जल्दी जल्दी, ठंडे हो रहे हैं नहीं तो। आ जा भाई। हाँ बटर बटर भी ले आते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठ के नान खा रहे हैं और दाल मखनी खा रहे हैं। है ऊपर भीड़ है, बेड पे भीड़ है। लव्या कह रही है बेड पे भीड़ है, इसको जगह नहीं मिल रही। क्या हो गया, कौन सा नान खाया? बटर नान नहीं लाया था, लाया था ये, इसमें गया है, इसमें देखो इस वाली में रोटी है, ये आलू नान है, एक उनको दिया था मैंने नीचे बटर। ये आलू वाले हैं? अरे पूरे वो का ऐसे ऐसे ये फॉइल पेपर वाला आपको मार नीचे बड़ा। गायब तो नहीं हो गया एक फॉइल? अरे किचन में भी एक पड़ा था, मैं देख के हूँ, एक मिनट देखती हूँ किचन में। बटर नान पड़े हैं, बटर कह रही थी, यहाँ तो नहीं पड़ा कुछ भी। बटर मांग रही है, बटर नान मांग रही है। बटर भी चाहिए उसको, बटर भी दे दे बटर। ये कितना बड़े दिखाइयो, हाँ हो जाएगा दे दे। क्या हो गया, नान गायब हो गया क्या? हाँ, बटर नान दो ही थे, मुझे लगा तो चार पांच होंगे। दो तू ही तो लाया था, दो थे तो एक दो आते, मुझे नहीं पता। मिल गया तेरा नान, क्या हो गया, धोखा हो गया क्या तेरे साथ? नहीं था, अभी मुझसे लिया गया नान। तेरे से लिया गया तो तू ये वाला खा ले, आलू वाला छीना गया तो तू ये वाला खा ले बेटे, आलू वाला नान पड़ा। तो जी दोनों बेड के गद्दे हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा स्लीपिंग अरेंजमेंट होगा और सोफे हमने यहाँ पे साइड पे कर दिए हैं। यहाँ पे 5 गद्दे सही लग जाएंगे और बढ़िया सो सकते हैं क्योंकि उस कमरे में हम सारे पूरे नहीं आ पा रहे थे, तो हमने यही डिसाइड किया कि यहाँ पर क्योंकि ये होल कमरा है यहाँ पर गद्दे लगा देते हैं। दोनों बेडों के गद्दे हम यहाँ ला रहे हैं। हाँ जी बोलो, आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, मस्ती कर रहे हो? अब मस्ती करने का टाइम नहीं, सो जाओ, 12 बज चुकी है, नींद नहीं आ रही तुम्हारे को? और यहाँ पर सोफा लगा दिया है, ले आओ भाई और गद्दे लाओ। आप ऊपर से कपड़े उतार रहे हैं? ले आओ जी गद्दे ले आओ। वो कहाँ है लव्या, नमन को बोलो ना ला रहा है, वो भी ला रहा है। समझदार बेटा है, लेके आ रहा है। नहीं जंप नहीं करो बेटा, नहीं जंप नहीं, लव्या जंप नहीं कर बेटा। हाँ
पांच गद्दे कैसे आ जाएंगे? हैं? वो भी हटाना पड़ेगा। मैं तो पीछे पीछे सोऊंगी। ये आ गए जी चार गद्दे, एक और लगाना पड़ेगा, पांच पांचवा इधर आ जाएगा एक और। चलो जी बढ़िया सेटअप हो गया जी। तो इस रूम में हमारा बढ़िया तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट हो चुका है। हाँ भी परी कैसा लगा ये अरेंजमेंट? बहुत अच्छा लगा। सही है ना, सारे एक साथ सोएंगे यहाँ। दो बेड मिला के यहाँ पर चार गद्दे लग गए हैं, एक दूसरा गद्दा लग गया है। अब हम तीन चार दिन इसी रूम में रहने वाले हैं, ठीक है ना? अगर आपका मन करे कमेंट में बता दे, परमानेंटली तो सोएंगे, बस मम्मी की चाहिए। नहीं नहीं नहीं, परमिशन चाहिए बस। है परमानेंट यही पर रह जाए? नहीं 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 नहीं। अरे ये रूम तो आप सही बना दिया तुमने, और वो जो मेरे दो रूम है ना वो उजड़े चमन हो गए हैं बिल्कुल ही। तो मासी भी इसकी आ चुकी है नाइट ड्रेस में अपनी। हाँ जी मैंगो शेक या रूह अफ़ज़े वाला दूध है भी हो जाएगा क्योंकि चाप वगैरह खा रखे। तो गाइस अभी रात की बज चुकी है एक, और यहाँ पर धमाल चल रहा है, मस्ती चल रही है, बातें चल रही है। और ये देखो नमन, जॉन सीना सो जा, बहुत थक चुके हैं, रात की एक बज चुकी है, लेकिन बच्चे मतलब सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।